दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको मारुति सुजुकी की 10 ऐसी गाड़ियों के बारे में बताऊंगा जो कि अपने टाइम में मार्केट में किंग हुआ करती थी, लेकिन अभी ये कार्स बंद हो चुकी हैं, या यूं कहिए कि मारुति सुजुकी की ये कार्स फ्लॉप साबित हुई। तो इन कार्स के बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। मारुति सुजुकी ओमनी। मारुति सुजुकी ओमनी मारुति की भारत में लॉन्च हुई दूसरी कार थी। ओमनी को मारुति सुजुकी ने साल 1984 में लॉन्च किया था और करीब 35 साल तक इंडिया में ये कार पॉपुलर रही। इस कार में मारुति सुजुकी 796 सीसी का इंजन ऑफर किया करती थी जो कि 37 bhp की पावर और 62 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। इस इंजन के साथ कार की टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की थी। इंडिया में ये कार दो वर्जन में बिका करती थी, फैमिली वर्जन जिसमें कि रियर सीट मिलती थी और कार्गो वर्जन जिसमें रियर सीट्स नहीं दी जाती थी। इंडिया में मारुति सुजुकी ओमनी को कई पर्पस के लिए काम में लाया जाने लगा, जैसे कि मिनी बस, एम्बुलेंस, फैमिली कार, और साथ के साथ इस कार को पैसेंजर कार की तरह भी इस्तेमाल में लाया जाता था। साल 2019 में नए सेफ्टी नॉर्म्स और नए BS6 एमिशन नॉर्म्स की वजह से मारुति सुजुकी ने इस कार को इंडिया में अपडेट नहीं किया और इंडिया से इस कार को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। मारुति सुजुकी जिप्सी। मारुति सुजुकी जिप्सी को इंडिया में मारुति ने साल 1985 में लॉन्च किया था। मारुति सुजुकी जिप्सी एक मिनी SUV कार थी जिसे खास तौर पर ऑफ रोडिंग के लिए जाना जाता था। सबसे पहले मारुति सुजुकी अपनी जिप्सी में 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता था जो कि फोर व्हील ड्राइव सिस्टम ऑप्शन के पास आता था, जिसके बाद ये कार ऑफ रोड के लिए काफी अच्छी कार थी। बाद में कंपनी ने जिप्सी के इस वेरिएंट को साल 2000 में डिसकंटिन्यू कर दिया और इसकी जगह जिप्सी किंग को लॉन्च किया, जिसमें कंपनी ने इससे ज्यादा पावरफुल इंजन ऑफर किया। मारुति सुजुकी जिप्सी किंग में कंपनी ने 1.3 लीटर का इंजन ऑफर किया जो कि 80 bhp की पावर जनरेट किया करता था। ये इंजन भी फोर व्हील ड्राइव सिस्टम ऑप्शन के पास आता था और इसमें हार्ड टॉप रूफ और सॉफ्ट टॉप रूफ दोनों ऑप्शन मिल जाया करते थे। इंडिया में मारुति सुजुकी जिप्सी काफी पॉपुलर ऑफ रोड SUV कार रही, लेकिन बाद में साल 2017 में इस कार को इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया गया क्योंकि ये कार भी इमिशन नॉर्म्स और नए सेफ्टी नॉर्म्स के अनुरूप नहीं थी, जिसकी वजह से मारुति सुजुकी ने इस कार को अपडेट नहीं किया और इंडिया से मारुति सुजुकी ने अपनी जिप्सी को डिसकंटिन्यू कर दिया। ये कार भी इंडिया में करीब करीब 30 से 35 साल तक मार्केट में बिकती रही। मारुति सुजुकी वैन। मारुति सुजुकी वैन एक 5-डोर हैचबैक कार थी जिसे साल 1993 में लॉन्च किया गया था। इस कार में मारुति सुजुकी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑफर किया करते थे। वैन में 993 cc का पेट्रोल इंजन और 1527 cc का डीजल इंजन मिला करता था। इंडिया में बेचने के साथ साथ मारुति सुजुकी इस कार को यूरोप के मार्केट में भी एक्सपोर्ट करती थी। इंटरनेशनल मार्केट में मारुति सुजुकी इस कार को अल्टो नाम से बेचती थी। बाद में मारुति सुजुकी वैन की इंडिया में डिमांड कम हो गई तो मारुति सुजुकी ने इस कार के सेकंड जनरेशन को लॉन्च किया, जिसे कंपनी ने मारुति सुजुकी वैन क्लासिक नाम दिया। वैन क्लासिक को कंपनी ने रेट्रो और क्लासिक लुक दिया और साथ में कार के इंटीरियर में कुछ प्रीमियम फीचर्स को भी ऐड किया, लेकिन लोगों ने फिर भी इस कार को पसंद नहीं किया, जिसके चलते 2003 में इस कार को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। फिर मारुति सुजुकी ने वैन की एक और जनरेशन मार्केट में उतारी जिसका नाम वैन स्टेलियो रखा गया। वैन स्टेलियो में मारुति सुजुकी ने वैगनार के चेसिस, प्लेटफॉर्म और इंजन का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से नई वैन स्टेलियो काफी कम कीमत में मार्केट में हैचबैक कार का काफी अच्छा ऑप्शन थी। लेकिन लोगों ने वैन स्टेलियो में अपना इंटरेस्ट काफी कम दिखाया क्योंकि मार्केट में उस टाइम तक कई सारी हैचबैक कार्स आ चुकी थी, जिसकी वजह से 2009-10 तक आते आते मारुति सुजुकी ने इस कार को इंडिया से डिसकंटिन्यू कर दिया। मारुति सुजुकी वर्षा। मारुति सुजुकी ओमनी की तरह मारुति सुजुकी वर्षा भी एक मिनी वैन थी। मारुति ओमनी इंडिया में अपने टाइम में काफी सक्सेसफुल मिनी वैन थी। इसी वजह से मारुति सुजुकी ने इंडिया में अपनी एक और नई वैन लॉन्च करने का सोचा था, जिसे मारुति सुजुकी ने वर्षा नाम दिया था। इस कार को साल 2001 में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में लॉन्च किया गया था और ये कार दो वर्जन में मिलती थी, 5 सीटर और 8 सीटर वर्जन। इस कार में मारुति सुजुकी अपना 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया करती थी जो कि 82 bhp की पावर जनरेट किया करता था। ये इंजन काफी पावरफुल था लेकिन उतना ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं था और ये कार ओमनी से महंगी भी थी, जिसकी वजह से लोगों ने इस कार को पसंद नहीं किया और साल 2010 में मारुति सुजुकी ने इस कार को इंडिया से डिसकंटिन्यू कर दिया और इस कार को फिर से रिलॉन्च किया मारुति सुजुकी इको नाम से। मारुति सुजुकी इको में कंपनी ने छोटा पेट्रोल इंजन ऑफर किया। इको में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया था जो कि 73 bhp की पावर जनरेट करता है। इंडिया में मारुति सुजुकी इको अभी भी मिलती है और ये कार काफी सक्सेसफुल कार है। मारुति सुजुकी बलेनो। जी हाँ दोस्तों, हम आज की मिल रही बलेनो की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं साल 1990 में लॉन्च हुई मारुति सुजुकी बलेनो की। आप इसे सुजुकी कल्ट्रस या फिर मारुति सुजुकी स्टीम भी बोल सकते हैं। ये एक 4-डोर सेडान कार थी और इंडिया में बिकने के साथ साथ ये कार फिलीपींस, जापान और यूरोप के मार्केट में भी बिका करती थी। इस कार में मारुति सुजुकी 970 cc का पेट्रोल इंजन और 1527 cc का डीजल इंजन ऑफर किया करती थी जो कि 15 से 18 kmpl का माइलेज दिया करता था। बाद में मारुति सुजुकी की इस कार की डिमांड इंडिया से कम हो गई और मारुति सुजुकी ने इसकी जगह अपनी डिवायर को लॉन्च करने का प्लान बनाया, तो डिवायर के लॉन्च होने की वजह से इस कार को इंडिया से डिसकंटिन्यू कर दिया गया।
मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा एक 7 सीटर प्रीमियम एसयूवी कार थी जिसे साल 2003 में मार्केट में लॉन्च किया गया था। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा कंपनी की अपने टाइम में सबसे महंगी कार रही थी। मारुति सुजुकी ने प्रीमियम एसयूवी कार सेगमेंट में अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपनी ग्रैंड विटारा को मार्केट में लॉन्च किया था, लेकिन मारुति का ये आइडिया एक फ्लॉप आइडिया साबित हुआ क्योंकि इंडिया में मारुति सुजुकी सस्ती गाड़ियां बनाने में फेमस है और कम कीमत में काफी अच्छी गाड़ियां भी बनाती है, लेकिन मारुति सुजुकी को प्रीमियम कार बनाने में उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली है और लोगों ने इस कार को खरीदने की बजाय फोर्ड इंडिवियर और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी कार को खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया क्योंकि ये कार अपने टाइम में प्रीमियम और पॉपुलर कार थी और लोगों के बीच में अपनी पकड़ भी बना चुकी थी। और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के फ्लॉप होने का दूसरा रीजन ये है कि इस कार में एक पावरफुल इंजन मिलता था जो कि फोर व्हील ड्राइव सिस्टम ऑप्शन के साथ आता था जो कि काफी कम माइलेज दिया करता था और उतना ज्यादा इकोनॉमिकल भी नहीं था, जिसकी वजह से लोगों ने इंडिया में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को पसंद नहीं किया और इसकी काफी कम डिमांड रही, जिसकी वजह से मारुति सुजुकी ने अपनी ग्रैंड विटारा को साल 2015 में इंडियन मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दिया। मारुति सुजुकी एस्टार। मारुति सुजुकी एस्टार अल्टो की ही एक तरह की जनरेशन थी। इस कार में मारुति सुजुकी 1000 सीसी का इंजन दिया करती थी जो कि 66 बीएचपी की पावर और 90 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था। इस इंजन के साथ ये कार 16 से 19 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे दिया करती थी। इंडिया में मारुति सुजुकी ने एस्टार को साल 2008 में लॉन्च किया था और साल 2014 में इस कार को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और उसकी जगह कंपनी ने अपनी फेलरियो को लॉन्च किया जिसने एस्टार की जगह ले ली। कम डिमांड और कम पॉपुलैरिटी के चलते मारुति सुजुकी एस्टार को भी इंडिया से डिसकंटिन्यू करना पड़ा था। मारुति सुजुकी एस क्रॉस 4 ये एक 5 सीटर सेडान कार थी। इस कार को मारुति सुजुकी ने फियाट के साथ मिलकर बनाया था और दोनों कंपनियां इस कार को एक साथ मिलकर बेचा करती थी। इंडिया में इस कार में इंजन की एक वाइड रेंज मिल जाती थी। इस कार में 1.5 लीटर से लेकर 2.7 लीटर तक का इंजन ऑप्शन मिल जाया करता था और ये सेडान कार फोर व्हील ड्राइव सिस्टम ऑप्शन के साथ भी आती थी। इंडिया में ये कार मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आती थी। इंडिया में मारुति सुजुकी एस क्रॉस 4 को साल 2007 में लॉन्च किया गया था और साल 2014 में ये कार इंडिया से डिसकंटिन्यू कर दी गई। अभी हाल फिलहाल इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में मारुति सुजुकी अपनी एस क्रॉस को बेचती है जो कि एक कॉम्पैक्ट प्रीमियम एसयूवी कार है और मारुति सुजुकी इस कार को अपने नेक्सा शोरूम में बेचती है। मारुति सुजुकी रिच या फिर आप इसे मारुति सुजुकी स्प्लैश भी बोल सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इस कार को स्प्लैश नाम से बेचा जाता था। इस कार को मारुति सुजुकी ने जर्मन ऑटोमेकर कंपनी एडम ओपल के साथ मिलकर बनाया था। ये एक 5 सीटर हैचबैक कार थी और इस कार को खास तौर पर फैमिली के लिए बनाया गया था। इस कार में कंपनी मेनली 3 इंजन ऑप्शन ऑफर करती थी, 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर का फियाट से फोर्स किया हुआ मल्टी जेट डीजल इंजन। इंडिया में मारुति सुजुकी रिट्ज भी एक फ्लॉप कार साबित हुई। इंडिया में रिट्ज को साल 2008 में लॉन्च किया गया था और साल 2016 को मारुति सुजुकी ने इस कार को डिसकंटिन्यू कर दिया, जिसके बाद इस कार को डिसकंटिन्यू करके कंपनी ने इस कार को अपनी वैगनार से रिप्लेस किया। सुजुकी किजाशी। ये एक 5 सीटर प्रीमियम सेडान कार थी जिसे इंटरनेशनल मार्केट से इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था। इंडिया में इस कार को कंपनी ने साल 2011 में लॉन्च किया था और साल 2014 में ही इस कार को इंडिया से डिसकंटिन्यू करना पड़ा क्योंकि ये कार काफी महंगी कार थी और महंगी और मारुति की कार होने की वजह से लोगों ने इस कार को नहीं खरीदा। इसकी जगह लोगों ने दूसरी कार में अपना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया, जिसकी वजह से ये कार इंडिया में फ्लॉप साबित हुई और इस कार को 3 साल में ही इंडिया से कंपनी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट करके बताएं और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।